अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बजे है 7। मैंने सोचा आज मैं 7 बजे ही सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट करूं। जैसा तुम लोगों को पता है, आज मेहंदी रात है मेरे कजन्स की। तो अब मैं तुम लोगों को जल्दी जल्दी से एक बात बताता हूँ। सुबह मैं उठा, मैंने पता नहीं कैसे आज स्टेटस चेक किए लोगों के। मैंने वहाँ पर एक स्टेटस पर देखा जिसकी शादी है अपनी बहन को, रानी बाजी को। मुझे बहुत मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, सीरियसली। मतलब अब बहन की शादी है, उसको कल शादी है, आज मेहंदी रात है, एक दिन है। मतलब तुम लोग सोच नहीं सकते यार कितना इमोशनल। चलो अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम। ओके तो ज़रा ये कर बात 21 मिनट। ओके तो ये अभी मेरे ये देख रहा है व्लॉग। तो अभी मैं हूँ टेंट में, ये है हमारा टेंट। अभी मैं बैठा हूँ टेंट, मेरे साथ है आसिम शेजन, आसिम ये मेरा है छोटा सा कज़न, बहुत प्यारा है, बहुत बहुत ही ज़बरदस्त है, ही इज़ वेरी गुड। ये बहुत अच्छा है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं टेंट में बैठा हूँ, मैंने खाना वाना खा लिया है। तो मैं तुम लोगों से बातें शायद ही बोल पाऊँगा कि कुछ, मैं तुम्हें बस दिखाता रहूँगा, शायद ही मैं कुछ बोल पाऊँ। तो काम वाम होते हैं यहाँ से, ओह गुड बाय, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ से। यहाँ पे क्या होता है, सारे पकवान तैयार किए जाते हैं, जिसे हम वाजवान भी कहते हैं। वाजवान यहाँ पे तैयार हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। एंड फिर मैं बाहर निकला तो मैंने पता नहीं किसी लड़की की चप्पल लगाई थी, वो अलग बात है। ये देख सकते हो आप, मीट को पीटा जा रहा है, जिसमें फिर अलग अलग वैराइटीज़ बनेगी, लाइक जो हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, रिस्त, गोश्ताब, कबाब वगैरह वगैरह। तो ये देख सकते हो अभी बर्तनों में बस तेल फ्राई हैं, इसके बाद बनेंगे पकवान सारे। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, एक बड़ी सी टोकरी में मुर्गे सारे। तो बच्चों के साथ शादी में डील करना, इट्स अ बिग डील। बच्चों के साथ खेलना, इन्होंने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, वो अलग बात है। तो मैं बच्चों के साथ ज़्यादा ही खेलता हूँ शादियों में। ये देखो, कोई नहीं, आराम से। तो फिर मैं गया, हमारे पास 2 टेंट लगे हुए थे, एक जिसमें मैं बैठा था, एक मेरा भाई जिसमें सोया हुआ था। तो फिर ओके, तो उसके बाद दुल्हन की मेहंदी लगी, बहुत अच्छी मेहंदी लगी हुई थी दुल्हन को, बहुत ही ज़्यादा, जो जच रही थी। ऑल सेट हो गया, मेहंदी लग चुकी थी। फिर दुल्हन को नीचे उतारा टेंट में, बिकॉज वहाँ पे मेहमान आ गए थे। तो मेहमान आने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद वहाँ पे मिठाइयाँ बटी, बहुत सारे लोग मिठाइयाँ पकड़ रहे थे, वहाँ जो भी अवेलेबल था उन्होंने मिठाइयाँ पकड़ी, बस मैंने नहीं पकड़ी। ओके, तो मैंने मिठाई इसलिए नहीं पकड़ी बिकॉज़ मैं बीमार नहीं होना चाहता था। बहुत सारी मिठाइयाँ बट रही थी। तो रात को मुझे टाइम मिला खुद को दिखाने के लिए कि मैं भी हूँ शादी में। तो ये सब जो आप देख रहे हो, ये मेहंदी रात के लिए तैयार किया गया था। जो भी मेहमान आए थे वो अब खाना खाते, तो ये उनके लिए तैयार किया गया था। तो इसमें आप देख सकते हो, वाह 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 वाह, गुश्ताब। ये कल के लिए थे, शादी के लिए, शादी के दिन के लिए। इसका ब्लॉग अलग से आएगा। ओके, तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने अपनी बहन को, जो कि दुल्हन थी, तो उनको मैंने ऊपर लिया बिकॉज उनको भी खाना खाना था, वो थक चुके थे पूरे। तो ये है वो बच्चा जिसने मेरी, मतलब इसने मेरा दिन बना दिया। ये देखो कितना क्यूट है। तो ये देख सकते हो आप। फिर मैंने चाय पी, जो कि मेरे कुलचे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऊपर गया तो वहाँ बार बार आया था, जो कि दूल्हे को तैयार कर रहा था, उनके बाल वाल बना रहा था, उनकी दाढ़ी वाड़ी बना रहा था, जो कि बनाना ज़रूरी होता है। तो मैं गया फिर खाना खाने के लिए टेंट में। जैसा कि आप देख रहे हो, तफ़ज़ुल मुझे बुला रहा है। वहाँ पर बहुत सारे मेहमान थे, बहुत सारे मेहमान जो कि मेहंदी रात के दिन आए थे। अब हो रहा था खाने का वेट, तो फिर हमारा खाना आ गया, बहुत ही लजीज, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। तो फिर उन 4 लोगों ने खाया, दूल्हा, बारबर एंड 2 कज़न्स, ये लास्ट में थे। तो यहाँ पे मेरा व्लॉग होता है एंड। अगर तुम लोगों को ये मेरा व्लॉग पसंद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, स्टे हैप्पी।